हेलो फ्रेंड्स, बाज़ार वाली अगर जलेबियों की याद आ रही है इन दिनों में, तो चलिए झटपट से बना लेते हैं इंस्टेंट जलेबी, जो बहुत ही करारी और रसीली बनती है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और आधा कप हमें पानी ले लेना है। और ये ना बिल्कुल परफेक्ट है चाशनी के लिए। और इसे मैं गैस पर रख दूँगी और मीडियम टू हाई हीट पर मैं इसे बना लूँगी। तो लगभग 3 से 4 मिनट में चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। और हमें एक तार की चाशनी नहीं बननी है, उससे पहले ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मैं भी चाशनी को चेक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा चम्मच में लेके हम चाशनी को चेक करेंगे। तो ये थोड़ी चिपचिपी है, बस इसी स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और कुछ ड्रॉप्स हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, ताकि चाशनी जब ठंडी होगी तो ये जमेगी नहीं। और इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर, या 2 हरी इलायची हो तो आप उसे ज़रूर कूट के डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 ड्रॉप्स। इसे बाज़ार वाला ही लुक आने वाला है, अगर हो तो आप ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने ले लिया है एक बोल में 1 कप मैदा, और इसे हमें छान करके ही यूज़ करना है। और इसमें 1/4 कप हम दही डाल देंगे। दही खट्टी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर दही खट्टी ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसमें डाल देंगे विनेगर, 1 छोटी चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे, और पानी डाल करके इसका एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। तो इस बैटर को तैयार करने के लिए 1/2 कप पानी यूज़ हुआ है, तो थोड़ा हमें एक समय पर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें मिक्स कर लेना है और कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 1/2 कप पानी बच गया है, और अच्छे से पहले मिक्स कर लें, कोई लम्स ना रहे। और उसके बाद में मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और अगर बेकिंग पाउडर घर पे ना हो तब आप डाल सकते हैं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, वो हमें डालना है 1/4 छोटी चम्मच, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया ऑरेंज फूड कलर, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और इसे ढक करके 1/2 घंटा हम रख देंगे। और अब जलेबी तलने के लिए, अगर आपके पास जलेबी मेकर हो तो ठीक है, नहीं हो तो इस तरीके का दूध की थैली तो हमारे पास रहती ही है। इसे मैं ऊपर से एक साइड से कट करके ग्लास पे इस तरीके से डाल लूँगी। और ये देखिए 1/2 घंटे के बाद में बैटर हमारा अच्छा चिकना हो चुका है और ये इस कंसिस्टेंसी में तैयार हुआ है। तो ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपकी जलेबी को ज़बरदस्त करारी और फुली फुली बनाने के लिए। तो ये बैटर मैंने डाल दिया है इस कवर में, और इस तरीके से ऊपर से आपको फोल्ड कर लेना है, और कैची से मैं नीचे से कट कर रही हूँ। तो ये एकदम तैयार है। तो चलिए अभी हम तल लेते हैं अपनी जलेबियों को। तो उसके लिए आप तेल में 2 चम्मच घी ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और तेल को हमें लो मीडियम हीट पे ही गरम करना है, और फिर हमें जलेबियों का शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2-3 बारी आप एक जगह पे घुमाएं और उससे कनेक्ट होते हुए दूसरी जलेबी बनाएं, तो इससे क्या होगा, आपको आराम से एक ही जलेबी उठा करके आप इसे टर्न कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, अलग अलग ना बनाएं। और दोनों साइड से अच्छे से हमें सेक लेना है, और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाशनी हमारी तैयार है, चाशनी गर्म रहनी चाहिए हल्की सी, और तभी हम इसमें डालेंगे अपनी तली हुई जलेबियों को। तो तुरंत ही आप इसमें चाशनी में डाल दें, और बस 2-3 सेकेंड आप इसे डिप करके रखें, दोनों साइड से अच्छे से आप इसे फ्लिप करके सोक करें, और तुरंत ही आप फिर इस चाशनी से निकाल लें। तो दोनों साइड अच्छे से जब ये डिप हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, बस 2-3 सेकेंड आपको इसमें रखना है और फटाफट ही निकाल लेंगे। और अब मैं दूसरा बैच बना रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, इस तरीके से हमें तलना है। और ये आप देख सकते हैं जैसे ही हम तेल में डालते हैं तो ये कितनी अच्छे से फूली फूली बन जाती हैं। तो 2-3 सर्कल हमें बनाने हैं, पहले बाहर का फिर अंदर का, और फिर एक लाइन खींचते हुए आगे हम इस जलेबी के बैटर को खींच लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। और जब ये ऊपर के झाग पूरे ख़त्म हो जाएंगे तभी हमें इसका साइड टर्न करना है, और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है,
और इसका साइड अभी मैं टर्न कर रही हूँ। जब ऊपर पूरे झाग ख़त्म हो जाएंगे तभी हमें साइड को टर्न करना है और फिर चिमटे की मदद से ही हम इसे निकाल लेंगे। तो एक ही बार में सारी जो हमारी जलेबियाँ हैं ये निकल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और इसे हम चाशनी में 2-3 सेकंड के करीब डिप करेंगे दोनों साइड में और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। सर्व करने से पहले एक प्लेट में निकालें क्योंकि चाशनी के कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं प्लेट में और फिर आप दूसरी प्लेट में सर्व करें। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इजी वाली रेसिपी थी जलेबी बनाने की और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और रसीली जलेबियाँ गर्मा गर्म बन के तैयार हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी ये इजी वाली रेसिपी मिल पाए और वो भी इसे बना सकें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं और उसके बाद में घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।